फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि आप कैमरे के सामने अच्छे तरीके से कैसे बोल सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं कैमरे के सामने काफी अच्छे तरीके से बोल रहा हूँ, तो ये आप कैसे कर सकते हो और आप भी कैमरे के सामने अच्छे तरीके से कैसे बोल सकते हो, आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो कैमरे के सामने अच्छे तरीके से बोल पाओगे। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे चीज होते हैं जो आपको जानना होता है वीडियो शूट करते वक्त, तभी आप कैमरे के सामने अच्छी तरीके से बोल पाओगे, वो सारे यूट्यूबर नहीं बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और कैमरे के सामने अच्छी तरीके से कैसे बोला जाता है आपको हम सिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको रोज रोज अपना YouTube वीडियो शूट करना है, और रोज रोज जैसे जैसे आप अपना YouTube वीडियो शूट कीजिएगा वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस होते जाएगा और एक दिन आप काफी अच्छे तरीके से बोल लीजिएगा। यानी कि 2-3 महीने में आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आप काफी अच्छे तरीके से बोल पाओगे कैमरे के सामने। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा, इसके बाद ही आप कैमरे के सामने अच्छे तरीके से बोल पाओगे। देख सकते हो मैं कैमरे के सामने कितने अच्छे तरीके से बोल रहा हूँ। और साथ ही साथ इसके साथ कैमरे के सामने जब वीडियो शूट की जाती है, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको नए यूट्यूबर को वीडियो शूट करने में काफी ज्यादा दिक्कतें होती है, हिचकिचाहट होती है और अजीब सा लगता है। तो ये अजीब सा पहली बार आपको लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो शूट करते जाते हो आपको आदत सी हो जाती है और आप अच्छी तरीके से वीडियो शूट कर पाते हो। इसके साथ ही साथ कुछ चीजों का ध्यान देना होता है यूट्यूब वीडियो शूट करते वक्त। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपको आई कॉन्टेक्ट बनाना है, यानी कि आपको अपने कैमरे की तरफ ध्यान देना है, कैमरे के लेंस की तरफ और कैमरे की तरफ आपको देखना है। अगर आप अपनी वीडियो मोबाइल फोन से शूट कर रहे हैं फिर भी आपको कैमरे की तरफ देखना है, और अगर आप अपनी वीडियो कैमरे की मदद से शूट कर रहे हो फिर भी आपको अपना कैमरे की तरफ देखना है। देख सकते हैं मैं अपनी कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, और यही मैं इधर टाकने लगू तो इधर पता चल जा रहा है कि मैं डिस्प्ले की तरफ देख रहा हूँ, कैमरे की तरफ नहीं देख रहा हूँ। इधर देखूं तो लगेगा डिस्प्ले की तरफ देख रहा हूँ। तो देख सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि अपना आई कॉन्टेक्ट बनाना है और कैमरे की तरफ आपकी जो आंखें होती है कैमरे की तरफ होनी चाहिए, आपकी नजर कैमरे की तरफ होनी चाहिए, उसके बाद आप वीडियो शूट करें जिससे कि आपका आई कॉन्टेक्ट बनेगा। इसके साथ ही साथ जब आप अपनी वीडियो शूट करें तो आप फ्रेम में देखें कि आप फ्रेम के बीचों बीच हैं कि नहीं। देख सकते हैं कि ये जो वीडियो शूट हो रहा है, इस वीडियो में मैं फ्रेम के बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ। जैसे कि अगर मैं ज्यादा इस साइड खड़ा हो जाऊं ऐसे, तो ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, लगता है कि जैसे मैं मोबाइल फोन छोड़ के भाग रहा हूँ। और ऐसे में अगर मैं इस साइड ज्यादा खड़ा हो जाऊँ फिर भी ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए अच्छा रहता है कि आप वीडियो में बीच में खड़ा हो, यानी कि फ्रेम के बीच में आप खड़ा रहिएगा, तो ज्यादा लेफ्ट ना ज्यादा राइट साइड, आपको फ्रेम के बीच में खड़ा रहना है, तभी आपका वीडियो अच्छी तरीके से शूट होगा और कैमरे की तरफ आप देख पाओगे। और साथ ही साथ आपको फ्रेम में एक और चीज ध्यान देनी होती है, जब भी वीडियो शूट करें तो यहाँ से साइड से 2 इंच स्पेस होना चाहिए, ताकि आप अपनी वीडियो में अगर आप इधर उधर हो तो ये सारी चीजें एडजस्ट हो जाती है। अगर आप अपनी वीडियो में इन सारी चीजों का ध्यान नहीं देते हैं और आपने वीडियो को ऐसे करके फ्रेम यहाँ पे रखा है, हेड पे सटा हुआ है फ्रेम, तो ऐसे में आप इधर उधर करते हैं तो आपका वीडियो कट हो जाएगा, आपका यहाँ बाल हेयर कटिंग भी कट हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ 2 इंच छोड़ना होता है ताकि आपका वीडियो अच्छी तरीके से शूट हो। इसके बाद जब आप अपनी वीडियो को शूट करते वक्त आप अपना फोन जब ट्राइपोड में लगाएं तो याद रखें कि आपका फोन का जो हाइट होता है, यानी कि ट्राइपोड का हाइट, ज्यादा लो ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं जो मेरा ये वीडियो है शूट हो रहा है, इसका जो मैंने हाइट रखा है ज्यादा हाई नहीं रखा है ना ज्यादा लो भी नहीं रखा है। इसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, फोकस। जैसा कि देख सकते हैं जो हमारी वीडियो शूट हो रही है इसमें फोकस कम है ना ज्यादा है, इसमें फोकस जो है मीडियम है। अब मैं बात करूं कि इस साइड आपको फोकस यहाँ कम देखने को मिलता होगा, इस साइड इसलिए फोकस कम मिल रहा है कि इस साइड से मैंने फोकस नहीं दिया है, इस साइड से मैं कुछ चीज लगाकर फोकस देता तो इस साइड मेरा फोकस आता, अगर यही इस साइड में करता हूं तो फोकस आ जाएगा। तो आपको वीडियो में फोकस का ध्यान देना है। अब एक बात है कि जब आप वीडियो शूट करें तो फोकस को लॉक करना होता है, जैसा कि देख सकते हैं इस वीडियो में ना फोकस कम है ना ज्यादा है, एक रेट है, यानी कि फोकस कम हो रहा ना ज्यादा हो रहा है, यानी कि फोकस को मैंने लॉक कर दिया है। तो ये होता है ओपन कैमरा की मदद से। ओपन कैमरा एक ऐप है जिससे आप अपनी यूट्यूब वीडियो को शूट कर सकते हैं, इस ऐप का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, इन्हीं 4-5 चीजों का ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो आपको आई कॉन्टेक्ट बनाना होता है, दूसरी बात आपको यहाँ 2 इंच का स्पेस दिया जाता है ताकि आप इधर उधर हो तो आपका वीडियो कट ना हो। इसके बाद आपको अपने फ्रेम के बीचों बीच खड़ा होना है, यानी कि मोबाइल के बीचों बीच खड़ा होना है, ज्यादा लेफ्ट ना ज्यादा राइट, किधर साइड नहीं खड़ा होना है, फ्रेम के बीचों बीच आपको खड़ा होना है। इसके बाद आपको फोकस एडजस्ट करना होता है, फोकस एडजस्ट करने के लिए ओपन कैमरा ऐप का लिंक दे दिया है, उसे आप डाउनलोड। दोस्तों, हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा इन्हीं 4-5 चीजों का आपको ध्यान रखा जाता है वीडियो शूट करते वक्त। तो आज के लिए इतना ही,
अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट और साथ ही साथ उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिन्हें इन वीडियो की जरूरत है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।